नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सरकारी भर्ती जो अभी जस्ट निकल के आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा भर्ती है दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखना। ये मेरा आपको सबको एक वन टाइप ऑफ सजेशन है, ठीक है। और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही जो भी वीडियोज़ है जो भर्ती से रिलेटेड हो या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो इस टाइप के हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अपडेट आपके आपको मिल जाए, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा उद्देश्य ये है कि अभी जो जस्ट भर्ती निकल कर आया है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, वो है टेंथ, जिन्होंने टेंथ SSC कर लिया है ना, ठीक है, वो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि ये हमको भरना चाहिए, ठीक है, क्या सैलरी रहेगा, ठीक है, कितनी वैकेंसीज है, फिर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस में हम डिटेल करने वाले हैं। बस बन रही है अंत तक, तो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, वन बाय वन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है दोस्तों। देखिए नोटिस, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021। डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 22 मार्च से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो आपका है 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा 30 तारीख से पहले। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 30/4 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसिप्ट ले सकते हो। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी आप 2/5 तक भर सकते हो, ठीक है, उसका चलन आप 3/5 तक जनरेट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलन तो 4/5 तक, ठीक है। फिर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन में पेमेंट करेक्शन चार्जेस, ठीक है, वो है 5/5 से लेकर 9/5 तक आप कर सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये है जुलाई 2022 में आपका ये एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 का हो वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी ये जो है दोस्तों, ये जो जॉब है यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ये जो जॉब है वो ग्रुप सी में आता है, नॉन गेजेटेड, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टेटूटरी बॉडीज ट्राइबल्स ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ये ग्रुप सी का पोस्ट आता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ये जो ये लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जो SSC लेता है वो ग्रुप सी में आता है, ठीक है। वैकेंसीज कितनी है तो MTS का विल बी इंटीमेट लेटर मतलब बाद में बताएंगे कि वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। ये हवलदार वाला जो है वो 3600 यहाँ पे वैकेंसीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन क्या रिजर्वेशन से वो चीज़ डिस्कस की गई है, क्या यहाँ पे क्या रहने वाला है, मतलब क्या प्रमाइसिस डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए क्या सुविधा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, तो इंडियन, नेपाल, वो सब चार जिसके लिए एप्लीकेबल है उस जरूर से पढ़ लेना। एज लिमिट यहाँ से देख लीजिए आप, 18 से 25 साल के अंदर आप होने चाहिए, ठीक है, 18 से 25 यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा जो हवलदार वाला वैकेंसी उसमें 18 से 27 तक आप होने चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ दी गई है यहाँ पे, एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा वो भी चीज़ें डिस्कस की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है दोस्तों। इसमें सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो भी है। इसमें हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, आप जस्ट एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जो चीज़ इसमें लिखी है उसमें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इसका एप्लीकेशन फ़ीस आप ओनली 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सिर्फ 100 रुपीज़ पे कर देना है तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, इसकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत जगह पे होती है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, बहुत सारी जगह दी गई, तो आपके नज़दीक में जो भी सेंटर आपको आता होगा वो सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, तो जनरल इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स के लिए, ठीक है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स ये भी 25 और जनरल अवेयरनेस ये भी 25, ठीक है। तो ऐसा करके आप देख सकते हो कि ये जो एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का आपका बनेगा और ये 90 मिनट के लिए आपको रहेगा, ठीक है। 90 मिनट के अंदर आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है।
ये होगा पेपर वन की बात। पेपर टू में क्या रहेगा, तो शॉर्ट ऐसे आपको लिखना रहेगा एंड लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन एच एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 25-25 मार्क्स के दो रहेंगे, एक लेटर लिखा है और एक ऐसे, तो 25-25 का रहेगा, 45 मिनट्स के अंदर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड रहेगा ये एग्ज़ाम का। तो यह पूरा सिलेबस ठीक है डिटेल के अंदर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। इसके सिवा और कोई जानकारी आपको चाहिए होंगी तो ज़रूर से एक कमेंट कर देना दोस्तों, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज़ आती है यहाँ पे तो कि ये जो एग्ज़ाम है MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे कहा जाता है, ठीक है, क्या हम अगर ग्रेजुएट है तो हमें अप्लाई करना चाहिए एग्ज़ाम? देखिए दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है इस एग्ज़ाम के अंदर, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले वीडियो देखे हैं, जो लोग ये एग्ज़ाम से पास होकर फिर आगे बढ़े हैं उन लोगों के वीडियोस मैंने देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और शायद आप जॉब करना चाह रहे हो, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये 7th पे कमीशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी यहाँ पर लगेगा, तो 18,000 के आसपास आपका बेसिक पे रहेगा और आपके उसके ऊपर TAD अलाउंस जो भी मिलेगा वो 25,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा। तो अच्छा खासा सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा चांसेस है कि आपका लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10th लेवल तक का होगा, SSC के लेवल तक का होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना अगर आपको जॉब का ज़रूरत है। ठीक है, अगर जॉब का ज़रूरत है तो ज़रूर से अप्लाई कर देना। तो इसमें क्या होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसा देखे हैं एक्सपीरियंस वीडियोस की, कुछ लोगों ने इसमें अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन भी हुआ, फिर इंटरनल एग्ज़ाम उन्होंने कुछ ग्रेजुएशन भी कर रखी थी, तो इंटरनल एग्ज़ाम्स जो आते हैं ठीक है पोस्ट आप बढ़ा सकते हो उससे, इंटरनल एग्ज़ाम देके फिर उनका प्रमोशन हुआ है और इसमें से वो अपर लेवल की पोस्ट पे गए हैं। ऐसे भी मैंने वीडियो देखे, जस्ट बता रहा हूँ मैं, आप भी खुद सर्च कर लेना और आप भी बहुत सारे लोगों से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है इसके, तो वहाँ से देख सकते हो। मेरे काम था कि आपके पास जानकारी पहुँचाए कि ऐसा कुछ अभी वैकेंसी निकला है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इस जॉब में जाना चाहते हो, तो ज़रूर से एक आप अप्लाई कर देना, जिससे क्या होगा एक जॉब सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो एक जॉब सिक्योर हो जाएगा आपका, तो इससे आपका भी अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। ठीक है, और आपको फ्यूचर में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप भी इंटरनल एग्ज़ाम्स देके आगे जा सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो इन्फॉर्मेशन दी हो इनफ है। इसके सिवा और कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो ज़रूर से कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे और इसका अपडेट आपको पल पल मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।